इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि वो गुरुद्वारे में रुके हुए हैं, पूरी संगत वहां पर है। हालांकि निशान साहिब को हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन निशान साहिब अभी तक किसी ने नहीं हटाया है, मगर उनकी यही गुहार है कि वो यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील है कि अफगानिस्तान में फंसे सिख समुदाय के लोगों को निकाला जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा सिख लोग फंसे हुए हैं। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने आपकी वो बातचीत भी सुनी उस भारतीय से जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी विदेश मंत्री से अपील की है कि जो 200 सिख अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें तत्पर वहां से निकाला जाए। इस समय वो पूरी संगत काबुल में है और गुरुद्वारे में है, और उनको सिक्योर करने के लिए जो गुरुद्वारे की संगत है वही कोशिश कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अफगान नेशनल हमारे साथ हैं, शाहीन, और साथ में नईम जो कि यहाँ पर रह रहे हैं। शाहीन, अब कब वहाँ से आई और कितना इस समय के जो हालात देख कर कितनी ज़्यादा घबराहट होती है? जो बैक होम आपके परिवार के लोग हैं उनसे संपर्क हो पाए? मैं तो कुछ महीने पहले यहाँ आ चुकी हूँ और यहाँ रह रही हूँ। मुझे डर इस बात में है कि जैसे पहले ये लोग आ चुके थे और बर्ताव करते थे, अब उससे बढ़कर ये लोग वही बर्ताव करते हैं अफगान लोगों के साथ। तालिबान कहता है कि वो ठीक है, वो महिलाओं का ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा, कोई इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। और पहले के तालिबान और अभी के तालिबान में अंतर है, आपको लगता है 1996 से लेकर 2001 का वक्त देखा आपने? 1996 का बात तो अलग है, पर बात ये है कि ये लोग लाइफ में दोहा में कुछ बोलते थे और लाइफ कुछ कर सकते थे, और दोहा में जाके वो बात करते थे और काबुल में और अयालत में ब्लास्ट करते थे। सर, आपका क्या नाम है? और मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। नसीम साहब, अभी के हालात को देखते हुए घबराहट हो रही है एक बार फिर से, लग रहा है तालिबान का ये कब्जा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, जैसे पहले उन्होंने ये काम किया तो अभी भी कर सकते हैं, और लोगों के दिल में यही खौफ है, लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि भाई दोबारा ऐसा नहीं कि जैसे पहले था ना, अभी वो सिलसिला शुरू हो जाए। आपके बैक होम जो लोग रहते हैं अभी, वो लगातार कोशिश कर रहे होंगे यहाँ आने की, वीज़ा लेने की? जी हाँ। परेशानी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, वो सब घबरा गया हुआ। हाँ, आपने तालिबान का वो वक्त देखा, वो समय याद आता है, किस तरीके की एट्रोसिटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ की उन्होंने? तो उन्होंने बहुत कुछ किया ना, पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कोई वो भरोसा नहीं है, बोलता कुछ और करता कुछ। वो कहते कि हम ले आएंगे, वो ले आएंगे, सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। क्या आप भरोसा कर सकती हैं? वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो पहले होता था वो अब नहीं होगा, उस तरीके से नहीं होगा। जी हाँ, भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो बातचीत होते हैं अफगानिस्तान में कई कई लोगों के साथ जो अभी ऑनलाइन है, जैसे मज़ार में, जैसे रात में, जैसे काबुल में, कहते कि ज़बरदस्ती से घर से लोगों को निकाल देते और घर के लोगों के घरों में घुसकर कहते हम लोगों के लिए खाना बनाएं। ये भी मैंने सुना है कि पूरा एक 10 या 9 कमरे वाले या 10 कमरे वाले रूम में लोगों के घरों में जाते हैं और सबको एक रूम में डालते हैं और उनके साथ गलत बर्ताव भी करते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे हमने आपके बैक होम लोगों से बात हो पाई, जो आपके परिवार के लोग इस समय वहाँ पर? तो नहीं हो चुकी, कल शाम से तो नहीं हो चुकी है, और वैसे मैं खुद कंधार की रहने वाली थी, यही डर के मारे से मैं काबुल आ गया, और काबुल में भी मैं सेफ्टी नहीं थी, कुछ महीने से यहाँ इंडिया में रह रही। कंधार जो है एडजॉइनिंग जो स्पिन बोल्डाक है वो अब पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है और यही इसका असर दिखाई दे रहा है? ये बोल्डाक और कंधार ये बात अलग है, पर मैंने ये भी सुना है कि जितना लोग जो काबुल में, जितना लोग जो तमाम अयालतों में, जैसे अफगानिस्तान में वो लोग अंदर आ चुके हैं, काफ़ी लोग उर्दू बात करते हैं, पाकिस्तानी बात करते हैं जो तालिबान के नाम पे, और इतने लंबे लंबे बाल है उनका, इतना दाढ़िया है, वही जैसे अनपढ़ गवार लोग पाकिस्तान से और कई जगहों से मिल के आए थे, फिर वही बात है। आपको लगता है कि वो सरकार बनाए और फिर उसके बाद अफगानिस्तान का विकास हो पाएगा, जिस तरीके से तालिबान के लोग कह रहे हैं कि हम ख्याल रखेंगे अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे? आपने पहले का वक्त भी देखा है? जी हाँ, लेकिन बोलने से क्या होता है, अभी वो लोग तो भरोसा नहीं करते उनको, पर इस बात को कोई भी भरोसा नहीं करते कि ये जैसे कह रहे हैं ना उस तरह करे।
अभी सभी अफगान फोर्सेस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल मनीष, ये अफगानिस्तान के वो लोग हैं जो कुछ वक्त पहले वहां से निकलकर यहां आ गए थे और इनकी जुबानी हमने वहां के हालात और वहां की स्थिति को जाना, किस तरह का डर और भय लोगों के मन में है वो हमने समझा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।